आदरणीय आचार्य मुकेश जी, ज़रा एक बार आप नोट कर लें, मैं परिचय ले लेता हूँ। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार, चंदन कुमार। कहाँ से हैं आप? वैशाली, बिहार। वैशाली, बिहार से जी। आपका उद्देश्य क्या है मीटिंग जुड़ने का? बौद्ध धर्म को मानना चाहते हैं। बौद्ध धर्म को मानना चाहते हैं या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं? जी। क्या चाहते हैं? प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? जी। अगर मैं कहूं कि मुझे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में करना है और मुझे बौद्ध धर्म की कोई जानकारी ना हो, तो क्या ये संभव है कि मैं भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर पाऊंगा? नहीं। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है सबसे पहले जो लोग चाहते हैं कि भारत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो उनके लिए एक व्यवस्था की है, उनकी ट्रेनिंग की, कि उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हमें समाज में किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो क्या आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको जो विश्व शांति निवारण स्कूल है धम्मपद संघ का, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप तैयार हैं आप? जी जी, ठीक है। आदरणीय आचार्य भृगुनाथ जी आपके आचार्य होंगे। चंदन जी नोट कर लीजिए, आदरणीय आचार्य मुकेश जी आप भी नोट कर लीजिए, इनको नंबर दे देना आचार्य भृगुनाथ जी का। और मैं चाहता हूँ, संघ से प्रस्ताव है मेरा संघ के सामने, कि आदरणीय आचार्य भृगुनाथ जी को जो है बिहार का प्रभार दे दिया जाए, क्योंकि बिहार से हमारे पास जो है कई प्रशिक्षु और आचार्य हो गए हैं, तो ये सभी मिलकर जो है बिहार में एक मुहिम चलाएं, इस प्रकार से जो है कुछ और योजना को हम क्रियान्वित करें ज़मीन पर जो है। तो इसलिए आदरणीय आचार्य भृगुनाथ जी को जो है ये कार्यभार हमें सौंप देना चाहिए। और आपको सारा सिलेबस वगैरह पहुंच जाएगा, आचार्य जी का नाम पहुंच जाएगा, मोबाइल नंबर पहुंच जाएगा, आपके पर्सनल आचार्य हैं जंबर जी, आप संपर्क करके उनसे जो है बातचीत कर सकते हैं। तो हम जो है अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ये जो विषय लिया था, बाबा साहेब ने संकल्प लिया समाज का उद्धार करने के लिए, और उनका उद्देश्य था समाज का उद्धार करना। कुछ लोग जो हैं जो बाबा साहेब का नाम लेते हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, उनका कहना यह है कि सत्ता आएगी तो धर्म भी स्थापित हो जाएगा। इस बात को जो है कौन लोग सही मानते हैं? अगर किसी को अपना विचार प्रस्तुत करना हो तो शीघ्रता से हैंडेज करके बता दें जी। आदरणीय प्रवीण जी बताएं। सर, सत्ता आने से धर्म स्थापित नहीं हो पाया, सत्ता आई थी हमारी यूपी में। जी 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 जी, लेकिन सत्ता जो है अगर उसको हम साधन के रूप में इस्तेमाल करते तो निश्चित तौर पर जो है धम्म प्रचार को गति मिलती। धम्म स्थापित होगा धम्म प्रचार से, धम्म स्थापित होगा धम्म के आचरण से। ये जो स्टेटमेंट आती है बार बार कि सत्ता आएगी तो धर्म भी आएगा, ये पॉलिटिकल इंटेंशन वाले लोगों की स्टेटमेंट है, जो पॉलिटिकल क्या नाम है, जो पावर है उसको ग्रैब करना चाहते हैं, और इन लोगों का जो उद्देश्य है। अभी मैं एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ, जो ये लोग ये बोलते हैं तो इनका उद्देश्य क्या है? जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि सत्ता आएगी तो धर्म भी स्थापित हो जाएगा, मुझे बताएं शीघ्रता से कि इन लोगों का उद्देश्य क्या है, बताएं जल्दी से, कोई बताएगा जी? बताएं आदरणीय प्रवीण जी, आप बताएं इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपना, सिर्फ मोटिव, जो इनका मोटिव है अपना मोटिव सीधा करते हैं, लेकिन जो विचार बुद्ध का फैल नहीं पाया, सिर्फ स्टैचू खड़े कर दिए गए यहाँ पर, जहाँ तक मेरा मानना यही है। जी जी, आदरणीय चंदन जी आपका हैंडेज बताएं। आदरणीय चंदन जी प्रश्न बताएं। संघ को मेरा सुप्रीम, जय भीम जी, जय भीम। तो सत्ता से धर्म, पहले ये उनको मालूम नहीं, धर्म पहले है या सत्ता पहले है? जी, तो सत्ता, सत्ता जो है वो धर्म, धर्म चलाने वाले वो काबिज कर लेते हैं। ऐसे सत्ता और जो चुन कर आए या सत्ता पे गए, तो उनसे धर्म का पालन होता ही क्या? ये गलत है कि वो सत्ता आने से धर्म का यानी प्रचार प्रसार होगा, ऐसे नहीं। जो पहले
बोल रहे थे मगर वो प्रचार प्रसार नहीं करते, उनकी नीति बराबर नहीं रहती, ऐसा मुझे कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय चंद्रकांत जी। जी आदरणीय प्रवीण जी हैं, क्या नाम है आपका, हैंडेज आप बताएं। जी आदरणीय प्रवीण साहब को जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे देश में धर्म से ही सत्ता चली आ रही है आज तक। जी आज तक चली आ रही है वो तो बात ठीक है, लेकिन यथार्थ क्या है, हमें सैद्धांतिक पक्ष को देखना है कि हमारा सैद्धांतिक पक्ष क्या है, क्या होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत से ही व्यवहार पैदा होता है और व्यवहार जो है सिद्धांत के यथार्थ को निश्चित करता है। जो व्यवहार है, जो आचरण है, वो सिद्धांत के यथार्थ को निश्चित करता है। अगर व्यवहार हम किसी सिद्धांत का कर पा रहे हैं तो वो सिद्धांत ठीक है, लेकिन किसी भी सूरत में किसी सिद्धांत का हम आचरण नहीं कर सकते हैं, हम उसको व्यवहार में नहीं ला सकते हैं, तो इसका मतलब वो सिद्धांत हमारे काम का नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी जो फ़िलोसफीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े फ़िलोसोफ़र हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े सिद्धांत जो हैं इस दुनिया को देने का काम किया। उन्हीं में से एक सिद्धांत जो है साम्यवाद का आपके सामने आया, आदरणीय कार्ल मार्क्स जी ने वो सिद्धांत इस दुनिया को दिया था, लेकिन उसकी कोई दूर दूर तक संभावना हमें दिखाई नहीं देती है कि जो वो कह रहे हैं साम्यवाद की जो परिकल्पना दे रहे हैं क्या वो यथार्थ रूप ले सकती है। तो इसीलिए हमें हमेशा सिद्धांतों की बात करते समय उसके आचरण या उसके व्यवहारिक पक्ष को भी निरंतर जांच करते रहना चाहिए। बात तो हम बहुत बड़ी कह सकते हैं, कहने में कोई जोर नहीं पड़ता, लिख सकते हैं, लिखने में कोई जोर नहीं पड़ता, लेकिन क्या वो धरातल पर काम करेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसी हमें इसी परिप्रेक्ष्य में जो है बातें करनी है। जी आदरणीय ललन कुमार जी, आचार्य जी आपका हैंड रेज़ बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप। जी आदरणीय जी, धर्म से ही राजनीति संभव है, क्योंकि धार्मिक चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वही सांस्कृतिक परिवर्तन करने में बहुत सहायक होती है। जैसे जैसे हमारा वैचारिक रूप से हम अच्छे रहेंगे तो हम आपस में भी अच्छा से हम लोग मिलकर काम करेंगे, आपस में एक दूसरे के पीठ पीछे छुरा मारने वाले जो संस्कृति है वो चीजें नहीं होगी आपस में, इससे एकजुटता आएगा और समाज जो है वो करेगा, तो हम राजनीतिक रूप से किसी सब कर पाएंगे। जी अब ये बताइए कि धर्म का जो है किस किस रूप में इस्तेमाल होता है। एक तो धर्म का इस्तेमाल होता है केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए। आप अगर समझ रहे हैं इस बात से तो मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है। जो मैं कह रहा हूं कि धर्म का इस्तेमाल केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए जब होता है तो उसका रूप क्या होता है, बताएं। धर्म का इस्तेमाल जो है एक होता है सत्ता प्राप्त करने के लिए, उसको बताएं कि कैसे होता है और उसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर। जी आचार्य आदरणीय वकील साहब, गरीबों का शोषण करने के लिए, जनता का शोषण करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए। जी अगर धर्म का इस्तेमाल केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि अभी वर्तमान समय में जो भाजपा सरकार है उसने जो है धर्म का जो इस्तेमाल किया, यानी कि जिसे हम अधर्म कहते हैं अगर हम धर्म को परिभाषित करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट धर्म को परिभाषित करने बैठेगा, या दुनिया का कोई भी न्यायिक आदमी धर्म को परिभाषित करेगा, तो उसके हिसाब से हिंदू धर्म जो है कभी भी धर्म नहीं कहला सकता। तो जिस अधर्म को आधार बनाकर बीजेपी आरएसएस ने सत्ता प्राप्त की, तो उसका मकसद जो है ये जो जिसको ये धर्म कह रहे हैं अधर्म कह रहे हैं, इसका मकसद जो है केवल सत्ता प्राप्त करना था। लेकिन बौद्ध धर्म का जब इस्तेमाल होगा तो वो किस रूप में होगा, किस लिए होगा, क्या वो केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए होगा। जी आदरणीय धम्मपद संघ आईडी से हैंडेज बताएं। जी आदरणीय वकील साहब जी, जी तो जो आप कह रहे हैं कि सत्ता
प्राप्त करने के लिए ही धर्म का उपयोग किया जा रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और इतिहास में भी बहुत सा ऐसा समय आया कि जब धर्म का उपयोग करके और एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी करके धर्म के नाम पर, और उससे केवल सत्ता प्राप्त किया है, जो भी सत्ता शीश पर बैठे हैं वो कभी कल्याण के लिए धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किए हैं जी। इस आजाद भारत, तो कहने का मतलब ये है कि आज के जो बहुजन नेता हैं वो यानी कि समाज को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है एक व्यवस्था का निर्माण करना होना चाहिए। अभी हम अगर साहेब कांसीराम जी की बात करें तो साहेब कांसीराम जी का उद्देश्य क्या था? खुद को MLA MP बनाना उनका उद्देश्य था या समाज को MLA MP बनाना उनका उद्देश्य था? तो निश्चित तौर पर मैं जानता हूँ कि आप सभी का जवाब यही आएगा कि समाज को MLA MP बनाना उनका उद्देश्य था, सत्ता के केंद्र में पहुँचना उनका उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने बहुजन समाज को संगठित करने का प्रयास किया, संगठित करने का एक आंदोलन चलाया। वहीं पर आज हमारे सामने मैं आप लोगों को एक प्रश्न रख रहा हूँ कि यदि आपको लगता है तो आप हैंड रेज करके बताएं कि क्या बहुजन समाज से कोई भी नेता, इंक्लूडिंग जो पार्टी बनाकर अपना काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी शामिल कर रहा हूँ, क्या उनमें से कोई आपको ऐसा लगता है कि वे जो है समाज को सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे हैं या समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं या फिर जो है सत्ता के केंद्र में पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं? यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई ऐसा है नेता तो आप जो है हैंड रेज करें। तो यानी कि हमारी जो असली समस्या है, समस्या इस बात की नहीं है कि लोग राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं या लोग राजनीति कर रहे हैं, ये कोई समस्या नहीं है। लोगों को राजनीति करनी चाहिए, राजनीतिक पार्टी भी बनानी चाहिए, लेकिन उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए समाज का उद्धार करना। समाज के उद्धार हेतु अगर वे लोग राजनीतिक पार्टी बनाते हैं या खुद सिंगल राजनीति करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है उनके उद्देश्य में कोई त्रुटि नहीं है, उससे समाज को लाभ होगा ही। लेकिन अगर वे जो है केवल अपने आप को MLA MP बनाने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, ये इनके प्रकार इन किसी प्रकार से वो MLA बन जाएं, MP बन जाएं, तो जो MLA MP बनने के बाद जो सुख सुविधाएं और प्रसिद्धि का जो उनको वातावरण मिलता है, सुख मिलता है, तो उसको जो है वो भोग सकें, तो ये जो है उनका अभी उद्देश्य बना हुआ है। तो आज जो बहुजन समाज जो समस्याओं से घिरा हुआ है, तो समस्याओं से घिरा होने के कारण एक तो बहुजन समाज स्वयं उसके लिए दोषी है कि वो जो है अपने ही समस्याओं को समझ नहीं पा रहा है कि उसकी वास्तविक समस्या क्या है। उसकी वास्तविक समस्या तो कुछ और है, लेकिन वो समस्या कुछ और मान रहा है। जैसे कि मैं एक कहानी सुना देता हूँ। एक बुढ़िया माई थी, एक बार एक खंभे पे लाइट लगी थी और लाइट के नीचे जो है वो सुई ढूंढ रही थी। तो एक आदमी आया वहाँ पर और उसने पूछा, बुढ़िया माई क्या ढूंढ रही हो? तो उसने बोला कि मेरी सुई खो गई है, मैं वो ढूंढ रही हूँ। तो वो भी उसमें लग गया वहाँ पर जो है सुई ढूंढने के, भाई यहीं कहीं गिरी होगी, लाओ मैं ढूंढवा देता हूँ। तो बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली। तो उसने पूछा कि हे बुढ़िया माई, क्या तुम्हें ठीक ठीक पता है कि तुम्हारी सुई यहीं पर गिरी थी? तो बुढ़िया बोलती है कि नहीं बेटा, सुई तो मेरी कुटिया में खोई थी, लेकिन यहाँ पर रोशनी है इसलिए मैं जो है सुई यहाँ ढूंढ रही हूँ। तो समस्या तो कुटिया में है और ढूंढ रहे हैं हम जो है खंभे की रोशनी में। तो ये आज हमारे समाज का हाल और हालात है। आज हमारी मीटिंग में केवल 32 लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि ये 30-32 लोग जो हैं केवल यहाँ जुड़े हुए हैं, जबकि बहुत और भी मीटिंग चल रही होंगी जहाँ पर कि सैकड़ों की संख्या में लोग जो है उस मीटिंग में जुड़े होंगे। लेकिन जब हमने धम्मपद संघ का निर्माण किया, शुरुआत की, तब हमने अपने सामने ये प्रश्न रखा कि क्या अभी जो हम काम करने जा रहे हैं उस काम को अभी कोई संघ संगठन कर रहा है?
अगर कोई संघ या संगठन उस काम को कर रहा है तो हमें दूसरा संगठन बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम उसी संघ और संगठन के साथ में मिलकर अपना सारा जो है जो समय है और जो भी सामर्थ्य है वो वहाँ लगाएंगे। अभी पूरी तरह से जांच की, परख की, चारों तरफ नज़र घुमाई, दूर दूर तक कोई संगठन नज़र नहीं आया। बुद्ध के नाम पर, धम्म के नाम पर, धम्म प्रचार के नाम पर, बाबा साहेब के सपनों के नाम पर हजारों लाखों संगठन बने हुए हैं, लेकिन किसी का उद्देश्य भारत को बौद्ध में करना नहीं है। और अगर किसी का भूल चूक से किसी ने अपना उद्देश्य भारत को बौद्ध में बना भी लिया हो तो उसके लिए कोई योजना नहीं है, बस हवा में ही काम चल रहा है। हाँ जी, हम भारत को बौद्ध में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो प्रयास आपको आजकल जो है दिखाई दे रहे होंगे। बड़े बड़े मंच लगाना, वहाँ पर बड़े बड़े भाषण देना, और भाषणों में भी केवल राजनीतिक सत्ता की बात करना, संविधान बचाने की बात करना, आरक्षण के लिए लड़ाई करना, यही सब जो है लोगों को क्योंकि पसंद है, लोगों को संविधान के बारे में सुनना पसंद है, संविधान को बचाना या संविधान को खतरा है, इन बातों में उनको बड़ा मज़ा आता है, रुचि आती है। और आरक्षण के मामले बड़ी रुचि आती है, बाबा साहेब का नाम लेने बड़ी रुचि आती है, बाबा साहेब का जयकारा लगाने में बड़ी रुचि आती है। तो इसीलिए जो नेता हैं तो नेता का काम भी यही होता है कि उसको अपने पीछे भीड़ लेकर आनी है। और भीड़ कब आएगी कि जब वो उनके मनपसंद टॉपिक पर बात करेगा, उनके मन के मुताबिक बात करेगा। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि इस भीड़ का उद्धार जो है किन बातों से होता है और किन बातों से नहीं होता है। वो जो काम कर रहा है उस बात से भीड़ का उद्देश्य पूरा होगा या नहीं होगा, उसका उद्धार होगा या नहीं होगा, ऐसा जो सोच कर कि मुझे इस जो भीड़ है इसको रेगुलेट करना है, इसका जो दिमाग है वो सही दिशा में नहीं है, इसको सही दिशा प्रदान करनी है, तो वो महापुरुष हो जाते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ये परवाह नहीं की कि मेरे समाज को क्या पसंद है तो मैं वही राग गाना शुरू कर दूं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का खुद का अपना समाज जो है अंधविश्वास पाखंड में फंसा हुआ था, अगर वो उसका उद्धार करने की ना सोचते, केवल राजनीति करने की सोचते, तो ये समाज कभी भी अंधविश्वास पाखंड से निकलने की बात सोच भी नहीं सकता था। तो इसीलिए आदरणीय संघ, धम्मपद संघ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। धम्मपद संघ जो है कोई संगठन बनाकर समाज के बीच में नहीं आया है। धम्मपद संघ का निर्माण किया है। और संघ क्या होता है, संघ में किसी भी एक व्यक्ति को कोई प्रमुख स्थान नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को उसके निजी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। निजी विचार किसी का अगर है तो वो संघ के सामने प्रस्ताव के रूप में रखे, संघ उस पर जो है समुचित प्रकार से चर्चा करेगा, विचार करेगा, मंथन करेगा, और उसके बाद संघ जो निर्णय लेगा उस निर्णय को प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ेगा, संघ के प्रत्येक सदस्य को उस निर्णय को मानना पड़ेगा। ये संघीय व्यवस्था है। और ये जो संघीय व्यवस्था है ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। उदाहरण के लिए शाक्य संघ के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद भगवान बुद्ध का भिक्खु संघ भी उसी आधार पर चला। तो ये जो संघीय व्यवस्था है यही हमारी समस्याओं का मूल हल है। इसमें टाइम तो लगेगा क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था बहुत ही मौलिक रूप से चलती है, और अपने चारों तरफ जो है झाड़ वगैरह होते हैं उनको साफ़ करते हुए चलती है। एक शानदार उपवन का अगर हमें निर्माण करना है, बहुत सुंदर बगीचा बनाना है, तो उसके लिए जो झाड़ वगैरह हैं उनको हमें वहाँ से साफ़ करना पड़ेगा। जब झाड़ वगैरह वहाँ से साफ़ कर देंगे और अच्छे अच्छे जिन पेड़ों को लगाना चाहिए वहाँ पर जब उनको लगाएंगे तब एक सुंदर बगीचा बनेगा। यानी कि कैडर प्रोग्राम या अनुशासन की ज़रूरत होती है। अभी जो हमारा बहुजन समाज है वो एक केवल भीड़ है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, और किसी भी समाज की अपनी कोई सोच होती भी नहीं है। उसका जो बुद्धिजीवी वर्ग जो काम करता है, जो बातें करता है, वही उस भीड़ की, उस समाज की सोच बन जाती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या कर रहा है। क्या बुद्धिजीवी वर्ग, बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समाज का समुचित प्रकार से नेतृत्व कर रहा है, उसके नेतृत्व में क्या ईमानदारी है, क्या वो वास्तव में जो समाज को चाहिए वही कर रहा है, या वो समाज को गुमराह कर रहा है। तो आज आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि बुद्धिजीवी वर्ग भी अपने निजी हितों को साधने में ही लगा हुआ है, उसे समाज के दुख से, दर्द से कोई लेना देना नहीं है। समाज के दुख तकलीफ़ों को
वो इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि लोग उसे पसंद करने लगें, प्रसिद्धि पाने के लिए या MLA बनने के लिए, MP बनने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। कोई ना कोई लाभ, कुछ ना कुछ उसका निजी स्वार्थ वहाँ पर है। इसीलिए इसको जो है हम वो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कह सकते हैं जो अपने समाज का नेतृत्व करता है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये अभी भोजन समाज के लिए बहुत खतरनाक बना हुआ है, और इस तरीके से और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग को कवरेज मिल रही है। आज तमाम बहुजन समाज का जो मीडिया चैनल है, मीडिया है, किसी भी प्रकार का मीडिया, वो इन बुद्धिजीवी को दिखाता है, इनके विचारों को दिखाता है। उदाहरण के लिए अभी आपने जो है आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी का जो प्रकरण है उसको देखा होगा, लेकिन समाज के पास जो है इन बातों की जांच करने का सामर्थ्य नहीं होता है, उतनी सोच नहीं होती है कि वो जांच कर सकें कि मेरा जो, मैं जिसको बुद्धिजीवी वर्ग अपना मान रहा हूँ, बुद्धिजीवी मान रहा हूँ, क्या वास्तव में बुद्धिजीवी है? अगर बुद्धिजीवी है तो क्या वास्तव में वो मेरा सच्चा नेतृत्व कर रहा है? कहीं मुझे गुमराह तो नहीं कर रहा है? उदाहरण के लिए आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जब 22 प्रतिज्ञाएँ लेते हैं अम्बेडकर भवन में, उसके बाद केजरीवाल जी के ऊपर समाज का दबाव बनता है और केजरीवाल जी राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर दबाव बनाते हैं कि इस्तीफा दो। तो इस्तीफा पार्टी नहीं मांगती है राजेंद्र पाल गौतम जी से, और राजेंद्र पाल गौतम जी उनको उपहार स्वरूप जाकर अपना इस्तीफा दे आते हैं। अपना इस्तीफा जो है राजेंद्र पाल गौतम जी लिख कर दे के आते हैं अपने लेटर हेड पर, लेकिन वहीं पर वो खुद से जो है एक एडवोकेट हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन चरित्र उनके सामने है, सब कुछ उन्हें पता है कि किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए। तो राजेंद्र पाल गौतम जी अपना इस्तीफा तो लिख कर देते हैं लेटर हेड पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से वो जो नोटिस नहीं मांगते हैं कि मुझसे आप इस्तीफा मांग रहे हैं तो ये मुझसे लिख कर मांगिए, मुझे सो कोज नोटिस इशू कीजिए, मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। अगर मुझे आप अपनी बात रखने का मौका देंगे तो मैं उसका जवाब लिखित रूप से दूंगा, और जब मैं अपना जवाब लिखित रूप से दूंगा तो वो इतिहास बन जाएगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरा मंत्रालय मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा, मैं MLA रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं इस पार्टी में रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे मेरे समाज का नेतृत्व करना है, मुझे मेरे समाज को जवाब देना है। इस बात की चिंता जो है आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी नहीं करते हैं, और वो जो है उस दबाव में आ जाते हैं, लोभ लालच में आते हैं, क्योंकि अगली बार फिर चुनाव होना है और मैं अपने बलबूते पे तो MLA MP नहीं बन सकता हूँ, मुझे अगर MLA बना सकता है तो केजरीवाल जी बना सकते हैं, इसीलिए जो है मुझे इस पार्टी में किसी भी प्रकार से टिके रहना है, तो मंत्रालय जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जो है जब आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी विधिवत रूप से अपना त्यागपत्र नहीं देते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि अगेंस्ट दी प्रोसेस जाकर जो है अपना इस्तीफा देते हैं, गलत तरीका है बिल्कुल। आपसे किसी ने इस्तीफा मांगा ही नहीं है, मांगने का तरीका होता है कि आपको कोई लिखित में जो है आपको सोपोज नोटिस इशू कर रहा है, तब आप उसका जवाब देते हैं, तब उसे कहते हैं कि हाँ आपसे इस्तीफा मांगा गया। अभी तो केवल इसको दबाव की राजनीति कहेंगे। फिर इस्तीफा देने के बाद भी गुजरात के चुनावी कैंपेन में आदरणीय केजरीवाल जी वहाँ पर खुलेआम मंचों पर कहते हैं कि नोटों पर, भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो आनी चाहिए। जहाँ एक ओर आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी 22 प्रतिज्ञाओं में उन्हीं लक्ष्मी गणेश का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहेब की विचारधारा की बात कर रहे हैं, वहीं पर जब गुजरात में चुनावी कैंपेन में अरविंद केजरीवाल जी भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की बात कर रहे हैं, तब राजेंद्र पाल गौतम जी जो है उनका विरोध नहीं करते हैं, तब वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं, जबकि उनको तुरंत प्रभाव से जो है कि मैं ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरे समाज को बाबा साहेब का फ़ोटो लगाकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आपने बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं पर मेरा इस्तीफा मांग लिया, आप बाबा साहेब की विचारधारा के अगेंस्ट जाकर जो है आप लक्ष्मी गणेश की बात कर रहे हैं, मैं आपकी पार्टी में नहीं रह सकता। उसके बाद भी आदरणीय केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं अवतार लेकर आया हूँ असुरों का नाश करने के लिए। अब असुर कौन है? हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हुए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, अब अगर मुझे कोई गाली दे रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मुझे गाली दे रहा है तो मैं अपने आप को क्या कहूँ, उस आदमी को क्या कहेंगे? मैं तो उस आदमी को निहायत ही मूर्ख ही कह सकता हूँ कि भाई इसके सामने आदमी को जो है वो नीच कह रहा है और गाली गलौज कर रहा है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अपमान कर रहा है, उसको अपना अपमान समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये जो मानसिक गुलामी वाली जो बात है, ये बहुत ही विकट रूप से हमारे बीच में जो है स्थापित हुई है, तो हमें इसको अच्छी तरह से समझना है और हमें एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग पैदा करना है जो समाज को सही दिशा दे सके, और हमें एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है जो समाज का सही रूप से नेतृत्व कर सके, जो समाज के लिए सभी समस्याओं का निदान प्रस्तुत कर सके। तो इसीलिए जो है आज जो हमारे सामने प्रश्न है कि अभी जो हमारे सामने जो नेतागण हैं, क्या वो हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं? तो मेरा जवाब तो इसमें ना है। और आज हमारे पास बुद्धिजीवी नाम का कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कुछ हमें लगता नहीं है। और अभी जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका जो उद्देश्य है वो सत्ता के केंद्र में पहुंचना नहीं है, क्योंकि सत्ता के केंद्र में पहुंचने के लिए एक व्यवस्था के निर्माण की ज़रूरत होती है। आपको याद होगा आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, 1925 में आरएसएस की स्थापना होने के बाद उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने जो है हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदुत्व जो है एक ऐसी बीमारी है, अगर इन लोगों को लग जाए तो ये कहीं जाने वाले नहीं है, फिर तो उसके डॉक्टर हम ही हैं, हम ही इनका वोट लेंगे और इन पर राज करेंगे। तो आज जो बहुजन समाज का जो वोट जो है धर्म के नाम पर किसी पार्टी के पास जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस वर्ग को जागरूक करना होगा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और हमें जो है जो हमारा उद्देश्य है कि अभी जो MLA को चुनने वाले लोग हैं वो कौन है, मद्देनजर लोग कौन है, वो हैं हिंदू। अगर हिंदू किसी को MLA बना रहे हैं तो वो MLA हिंदू धर्म के विरोध में बात नहीं कहेगा, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करेगा, वैज्ञानिक सोच का क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदू लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं किसी व्यक्ति को तो वो हिंदू धर्म के खिलाफ बात क्यों करेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट जाए भाड़ में, उससे क्या मतलब है। अगर मुसलमान चुन रहे हैं तो मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलेगा। इसीलिए जो है हमें भारत में लोकतंत्र है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और अच्छी बात है, एक सहूलियत है कि हम जो है कभी भी इस पासे को पलट सकते हैं। उसको पलटने की जिम्मेदारी जो है बौद्धों के ऊपर है। अब जो बौद्ध हैं उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो एक क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से सारे बौद्ध मिलकर एक पंचायत का चुनाव भी जीत लें। तो हमें उस दिन के लिए प्रयास करना है जब बौद्ध लोग जो हैं किसी पंचायती सदस्य को चुनेंगे, किसी MLA को चुनेंगे, किसी प्रधानमंत्री को चुनेंगे, तब इस देश में वास्तविक रूप से संविधान की बात होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होगी, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ खुलेआम बात होने लगेगी। कि जितना भी मीडिया आज जो है अंधविश्वास पाखंड को परोस रहा है, इसको बैन करने की बात होगी और इसको बैन भी कर सकती हो सरकार। ये तभी संभव है जब इस देश में बहुतायत बहुसंख्यक लोग बौद्ध होंगे। तो जो धम्मपद संघ का उद्देश्य है वो है भारत को बौद्ध में करना, और ये उद्देश्य धम्मपद संघ का नहीं है, ये हमारे महापुरुष परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुजन समाज को ये उद्देश्य प्रदान किया है। और उन्होंने जो है कुछ भी कहा है, कुछ भी किया है, बहुत गहरी रिसर्च के बाद कहा है और बहुत गहरी रिसर्च के बाद ही कुछ भी किया है। इसलिए आज हमें माननीय साहेब कांसी राम जी की तरह कुछ भी नया सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ सोच लिया गया है, बस उस सोचे गए को ईमानदारी से सच्चाई से उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है, क्रियान्वित करने का काम हमें करना है। तो ये काम जो है धम्मपद संघ कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वह आमंत्रित है हम